ओम नमः शिवाय सीरियल को फुल एचडी क्वालिटी में पूरा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए नए एपिसोड्स देखने को मिलते रहें। मैं ओमकार भक्त जन सदपुरुष और मानवीय संवेदनाओं से जुड़े हुए प्राणी जिसमें डुबकी लगाकर अपना जीवन धन्य करते हैं। मैं नाम स्मरण की ऐसी पवित्र धार हूं। मैं ओंकार हूं। शिव पार्वती के क्रोध की ज्वाला से पीड़ित राहु रक्षा के लिए जलंधर को पुकारता है, किंतु जलंधर राहु को प्रताड़ित कर कैलाश पर आक्रमण करता है। इंद्र बृहस्पति ये देखकर आश्चर्यचकित होते हैं। विष्णु लोक में लक्ष्मी चिंतित हैं कि कहीं शिव जलंधर को भस्म न कर दें। शिव पार्वती जलंधर की सेना को देखते हैं। पार्वती उत्तेजित होती है। वहां पहुंचकर जलंधर शिव से पार्वती उसे सौंपने के लिए कहता है। शिव शुक्राचार्य को प्रताड़ित करते हैं कि उन्होंने शिव आराधना करके शिव द्रोह भी किया। शिव के ध्यान से एक शक्ति उत्पन्न होती है जो शुक्राचार्य को उठाकर सागर में फेंक देती है। शिव वीरभद्र को पुकारते हैं। जलंधर उसे परास्त कर देता है। मायावी शिव से पार्वती सचेत होती है। वो विष्णु को पुकारती है। कहीं देवी पार्वती, आपने मुझे किस कार्य व कारणवश स्मरण किया है? श्री हरि, दुष्ट जलंधर ने मुझ पर कुदृष्टि डालकर मेरे सतीत्व तेज को आहत किया है। अब तो उस दुष्ट का अंत होना ही चाहिए। पर कैसे? आप मुझसे पूछ रहे हैं कैसे? जो दुष्ट दूसरे की पत्नी की गरिमा नहीं समझता और उस पर कुदृष्टि डालता है, उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। उस दुष्ट जलंधर ने कैलाश पर आक्रमण किया, मुझ पर कुदृष्टि डाली और मुझे सुंदरी कहा। जलंधर का उद्देश्य तो अपवित्र था, दृष्टि मलिन थी, मन में पाप था। हम तो जलंधर को समाप्त करना चाहते हैं। फिर उस असुर ने मेरे स्वामी पर प्रहार कर उनकी शक्ति को चुनौती दी है। क्यों? किस कारण से? क्या सोच रहे हैं श्रीहरि? अब भी वो अधम यदि जीवित रहा तो जगत में उत्पात मचाता रहेगा। हे मायावी, छल किया है तूने हमसे। तू दंड पाने के योग्य है। दशराज महाबली जलंधर हूँ। मेरा जन्म युद्ध करने और देवताओं को परास्त करने के लिए हुआ है। संभाल मेरा भार। शीश झुका हुआ है, क्या लज्जित हो अपने दुष्कर्म से? लज्जित भी और दुखी भी। अरे ये तो शुभ लक्षण है। अहंकारी और दुष्कर्मी यदि अपने कर्मों पर लज्जित होने लगेंगे तो जगत में सर्वत्र शांति और सुख व्याप्त हो जाएगा। सत्कर्मों का ही बोलबाला होगा। नारद, तुम सदा जगत के सुख का राग ही क्यों लापते रहते हो? इसलिए कि यह सर्वश्रेष्ठ राग है। इसी राग से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है और इसी राग से यह सृष्टि संचालित होती है। जिसने भी यह राग जान लिया उसके लिए फिर कुछ जानना शेष नहीं रह जाता।
तुम भी आलाप हो इस रात को राहु, तुम्हारा भी कल्याण ही कल्याण होगा। अपने ही कहते रहोगे या मेरे भी सुनोगे? नारायण नारायण, आज तुम्हारे पास भी सुनाने के लिए कुछ है? उत्तम, अति उत्तम, सदा तो सुनते ही रहते हो, आज सुनाओगे? सुनाओ, शीघ्र सुनाओ। तुम मुझसे लज्जा का कारण पूछ रहे थे ना? हाँ हाँ, वैसे अहंकार और दुर्भावना का आभास होते ही लज्जा आती है, किंतु तुम्हारे साथ क्या कारण है? क्या दैत्यराज जलंधर ने तुम्हें प्रताड़ा है? नाम ना लो उस दुष्ट का, वो दैत्य नहीं, दैत्यों का शत्रु है। यदि मुझे उसके दुष्टता का ज्ञान पहले होता तो कभी साथ न देता। उसका साथ देने के कारण ही मैं लज्जित हूँ। अभ्यास करो, अभ्यास करो लज्जित होने का, और अपने अन्य असुर बंधुओं को भी अभ्यास कराओ, सबका कल्याण ही कल्याण होगा। परंतु इतना भी समझ लो कि भगवान भोलेनाथ के हाथों ही जलंधर का वध होगा। उठाओ अपने गदा, उठाओ। शिव शंकर से युद्ध करके अपने सर्वनाश का आयोजन मत कर। अब भी समय है, कुछ बिगड़ा नहीं। भोलेनाथ बड़े दयालु हैं, युद्ध रोक कर इनसे क्षमा मांग, ये अवश्य तुझे क्षमा कर देंगे। अरे गुरु, कैसे गुरु हो तुम? कभी इस ओर तो कभी उस ओर। अरे बार बार दल बदलोगे तो तुम्हें गुरु कौन मानेगा? अरे निर्बुद्धि, समय की पच्चाप सुन, काल के मंद पगों की आहट सुन, जो धीरे धीरे तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं। समय रहते संभल जा, फिर अवसर नहीं मिलेगा। युद्ध भूमि से भाग जाने वाले अवसरवादी दैत्य गुरु, मैं तुम्हारी भांति अवसरवादी नहीं हूँ। सामने दुर्बल देखा तो डट गए और बलवान देखा तो हट गए। मुझे उपदेश देने का अधिकार अब तुम खो चुके हो। पर तू तो अपने प्राण ही खो देगा इस युद्ध में। क्यों मेरे क्रोध को भड़का रहे हो? यदि यह क्रोध की ज्वाला भड़क उठी तो कोई भी मंत्र शक्ति तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकेगी। हाँ, मेरे प्राणों की चिंता छोड़कर तुम अपने प्राणों की रक्षा करो दैत्य गुरु। जाओ, चले जाओ यहां से, जाओ। देखो दैत्य गुरु, तुम्हारे शिव का त्रिशूल भी मेरे प्रभाव से व्यर्थ हो गया। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है जलंधर, इसलिए तुम नहीं समझ पाओगे कि त्रिशूल का इस भांति असफल होना शिव की लीला है। परम ज्ञानी ध्यानी नहीं समझ सके शिव की लीला को, तो तुम जैसा पापी क्या समझेगा? सत्य तो ये है कि काल तुम्हारे सिर पर मंडरा रहा है और अब तुम पर आकर बैठेगा अवश्य। Yeah!
विधाता, ये कैसी विडंबना है कि पति शिव के साथ भीषण और निर्णायक युद्ध कर रहा है और पत्नी इधर से शिव की आराधना में लीन है। यदि वह अज्ञानी इधर आकर देख सकता तो उसे इस बात का ज्ञान हो जाता कि शिव का त्रिशूल उससे टकराकर असफल क्यों हो गया। वह अवश्य यह भी समझ जाता कि उसकी पत्नी वृंदा की शिव भक्ति और सतीत्व के कारण ही शिव उस पर पूर्ण प्रहार नहीं कर रहे हैं। वृंदा, वृंदा, गुरुवर, प्रणाम गुरुवर। वृंदा, मैं तुम्हें अखंड सौभाग्यवती वदीर्घायु का आशीर्वाद देना चाहता हूँ, किंतु मेरे और आपके आशीर्वाद के बीच ये किंतु कैसा गुरुवर? वृंदा, तुम्हारे पति जलंधर की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। वो तुम्हारा व अपना हित अहित न विचार कर शिव से युद्ध करके सर्वनाश की ओर बढ़ता जा रहा है। इसीलिए मैं भगवान शिव से प्रार्थना कर रही हूँ गुरुवर। वृंदा, तुम्हारी भक्ति, प्रार्थना और सतीत्व से जलंधर के पाप की मात्रा अधिक हो गई है, इसलिए तुम्हारा सद प्रयत्न भी व्यर्थ ही होगा। नहीं गुरुवर, मेरा प्रयत्न व्यर्थ न होने दे। जलंधर की दुष्टता, नीचता व मलिनता से तुम्हारे प्रयत्न और प्रार्थना की शक्ति क्षीण हो गई है। वृंदा, इस पर भी तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें अपने सतीत्व की रक्षा सावधानी से करनी होगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद, तो इस समय यहाँ? परमपिता, मुझे कहाँ होना चाहिए था? अरे, ब्रह्म लीला, प्रभु लीला और शिव लीला का प्रचार प्रसार करते हो, और जब इस समय शिव लीला अपनी चरम सीमा पर है तो तुम्हें भी वही होना चाहिए था। वही लीला देखकर तो यहाँ आ रहा हूँ परमपिता, और यहाँ इसलिए आया हूँ कि आपसे ये जान सकूं कि शिव जलंधर युद्ध का अंतिम परिणाम क्या होगा। नारद, तुम अनेक बार ऐसी भूल कर चुके हो। भूल? कैसी भूल परमपिता? वही, ज्ञानी होकर भी अज्ञानियों की भांति सोचने और बोलने की भूल। ऐसा मैंने क्या कहा परमपिता? प्रश्न मुझसे क्यों, स्वयं से पूछो। पूछो अपने मन से कि यदि शेर और हिरण टकराएंगे तो धराशायी कौन होगा, पर्वत और पेड़ का सामना होगा तो उसकी परिणति क्या होगी? अर्थात भगवान शिवशंकर की ही विजय होगी। नारद, तुम्हारा सोचना और प्रश्न दोनों निराधार थे। भला शिवशंकर के सम्मुख असुर कितने समय तक टिक सकता है? ये जो समय लग रहा है इसके मूल में कारण है वृंदा की पतिव्रतता, और नारद सत्य ये है कि ये युद्ध शिव और जलंधर में नहीं प्रत्युत वृंदा के पतिव्रत धर्म और जलंधर के अधर्म के बीच हो रहा है। इस सत्य से जुड़ा हुआ दूसरा सत्य ये भी है कि अधर्म की ओर बढ़ने की शक्ति जलंधर वृंदा से ही प्राप्त कर रहा है। और इतना तो स्वयं तुम भी जानते हो नारद कि अधर्म की मार्ग पर चलने वाले को केवल आभास होता है, मात्र लगता है कि वो विजयी हो रहा है, किंतु वो विजयी होता नहीं, आज तक नहीं हुआ, भविष्य में भी नहीं होगा, कारण कि विधाता ने सृष्टि के आरंभ में ही प्रकृति के नियमों के अनुसार अधर्मी के विपक्ष में निर्णय लेकर और उसके भाग्य में सदा सदा के लिए पराजय लिखकर उस लेखनी को तोड़ ही डाला था। माता, मेरा समाधान हो गया। परमपिता, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया।
नारायण नारायण। क्या हुआ महारानी, क्या हुआ? मैंने बहुत अशुभ स्वप्न देखा है कि स्वामी युद्ध से लौट आए हैं। नहीं महारानी, युद्ध से कोई लौटा नहीं। महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी। सेनापति, सेनापति, ये क्या स्थिति? हमारे प्रतिकूल है महारानी जी। असुर सेना शिवगढ़ द्वारा समाप्त हो चुकी है। स्वामी का कुछ पता नहीं है? पता नहीं है? क्या क्या तुमने उन्हें शिव शंकर के साथ युद्ध करते हुए नहीं देखा? देखा था, किंतु युद्ध करते करते अचानक वे अदृश्य हो गए। हो सकता है शिव ने अपनी माया से उन्हें समाप्त कर दिया हो। मेरा सतीत्व जब तक पवित्र है तब तक मेरे स्वामी का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। युद्ध करते हुए जलंधर जब क्लांत और क्षीण होने लगा तो उसका चिंतित होना भी स्वाभाविक ही था। दूसरी ओर श्री हरि विष्णु माता पार्वती के इस अद्भुत किंतु उद्देश्यपूर्ण प्रस्ताव से गंभीर, चिंतित एवं किं कर्तव्य विमूढ़ थे। जब माता लक्ष्मी ने उनकी इस दुविधा का कारण पूछा, स्वामी आप किस चिंता और सोच में डूबे हैं? देवी पार्वती ने मुझे धर्म संकट में डाल दिया है। देवी, कैसा धर्म संकट स्वामी? क्या बताएं और कैसे बताएं? इस विषय में मौन रहना ही उत्तम होगा। समय आने पर तुम्हें सब ज्ञात हो जाएगा। देवी, समय तो इस समय भी आया हुआ है। आप मुझे ज्ञात कराएं कि कैसा धर्म संकट है। हट ना करो देवी। मैं हट नहीं, आग्रह कर रही हूँ स्वामी। वो भी ना करो। आग्रह करने का अधिकार तो मुझे है। पति पर धर्म संकट आया हो और पत्नी को ज्ञात ना हो, क्या पत्नी के लिए ये धर्म संकट नहीं है? मैं तुम्हें केवल इतना ही बता सकता हूँ कि संकट का संबंध जलंधर और उसकी पत्नी वृंदा से है। स्वामी, रानी जी हमने अपने सैनिकों को खोजा ताकि उनसे कुछ पूछा जा सके, किंतु एक भी ऐसा सैनिक हमें दिखाई नहीं दिया। हमने महाबली को खोजा किंतु किंतु उनका कहीं भी पता नहीं चला। महारानी जी, महारानी जी, आपने जहाँ जहाँ बताया वहाँ वहाँ हमने महाबली की खोज की, पर भी वहाँ नहीं थे। वे नहीं थे तो उनकी कोई सूचना भी नहीं मिली।
मिली, किंतु वे आपके समक्ष कहने योग्य नहीं है। सुनंदा, उन नागरिकों ने ये पूछने पर जो कहा वो आपके सुनने योग्य नहीं है महारानी जी। सुनंदा, जो कहने सुनने योग्य नहीं है और जो कुछ तुम सुनकर आई हो वही कहो, मैं सुनूंगी। वे यही कह रहे थे कि शिव शंकर के हाथों महाबली का वध हो चुका है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। महारानी जी, महारानी जी, नगर के उद्यान में एक महान चमत्कारी तपस्वी आए हैं जो त्रिकाल का ध्यान भी रखते हैं। उनके पास अपूर्व सिद्धि है, वो मृत शरीर में प्राण भी फूंक सकते हैं और हमारे महाराज कहाँ और किस स्थिति में है वो सब बता सकते हैं। तो मुझे इसी समय उनके पास ले चलो। हाँ हाँ चलो। ओम हरि हराय नमः। 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 प्रश्न के लिए क्षमा करें महायोगी राज, सुना है आप त्रिकालदर्शी हैं और मृत शरीर में भी प्राण फूंक सकते हैं। अपनी पीड़ा कहो महारानी। मैं अपने पति देव के विषय में जानना चाहती हूँ। महाबली जलंधर के विषय में? हाँ हाँ योगी राज। अमंगल दिखाई दे रहा है। अमंगल? अर्थात? अर्थात महाबली जलंधर अब जीवित नहीं है। नहीं, नहीं योगीराज, ऐसा न कहे। उनके प्रति मेरी भक्ति की शक्ति उनकी रक्षा कर रही है। तुम्हारी भक्ति के प्रभाव से हम अपरिचित नहीं है वृंदा। मृत जलंधर के मुखमंडल पर पहले जैसा तेज अब भी विद्यमान है। मुझे मेरे पति के पास भेज दे। हमारे होते हुए इतना कष्ट क्यों वृंदा? तुम्हारे मृत पति जलंधर का शरीर हम यही मंगवा देते हैं। स्वामी, 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 ये आपको क्या हो गया स्वामी? ये सब कैसे हो गया स्वामी? मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं हो सकता स्वामी, आपको कुछ नहीं हो सकता स्वामी। जागे स्वामी, स्वामी जागे स्वामी। वृंदा, प्रलाप करने की आवश्यकता नहीं है, हम तुम्हारे मृत पति को पुनर्जीवित कर देते हैं। नारद का प्रणाम स्वीकार करें। ये क्या, आप अकेली हैं, वो भी उदास? महाप्रभु कहां गए हैं? नारद, जिस सरलता से तुमने इतने सारे प्रश्न पूछ डाले उसी सरलता से मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकती। प्रश्न पूछना मेरा आशय नहीं था, महाप्रभु को न देखकर मैं असमंजस में हूँ। वो तो मैं भी हूँ, क्योंकि वे किसी धर्म संकट की बात कहकर अचानक अंतर्ध्यान हो गए। स्पष्ट रूप से उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया, केवल इतना कहा कि इस धर्म संकट का संबंध जलंधर और वृंदा से है।
नारायण नारायण, इसीलिए आप उदास हैं माता? स्वाभाविक है, स्थिति समझा करो नारद। समझ गया माता, मैं सब समझ गया, स्थिति भी और परिस्थिति भी। क्या समझ गए? यही कि इस धर्म संकट का संबंध जितना आपके भ्राता महाबली जलंधर और महारानी वृंदा से है, उतना ही संबंध भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से भी है। नारद, तुम संबंधों की जोड़ तोड़ बैठाने में पटु हो, पर यहाँ शिव पार्वती की चर्चा कहाँ से आ गई? आ ऐसे गई माता, हम सब भगवान भोलेनाथ की लीला की कठपुतलियाँ हैं। भगवान भोलेनाथ हमें जैसे नचाते हैं, हमें नाचना पड़ता है। नारायण नारायण। परंतु आप चिंता न करें, भगवान श्री हरि विष्णु शीघ्र ही अपना कार्य पूर्ण कर लौट आएंगे। श्री हरि विष्णु ने जलंधर के मृत मायावी शरीर को प्रकट करके वृंदा को आश्वस्त कर दिया था कि जलंधर जीवित है और शेष कार्य को पूर्ण करने हेतु श्री हरि विष्णु ने ऐसी लीला रची जिसके परिणाम स्वरूप जलंधर का अंत होना निश्चित था। इस लीला के प्रभाव से वृंदा का मन अशांत और पीड़ित हो उठा। उसे सांत्वना देते हुए श्री हरि विष्णु ने कहा, तुम्हारे मन की पीड़ा की शांति के लिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि देवी लक्ष्मी की प्रतीक तुलसी में तुम सदा सदा के लिए निवास करके पूज्यता प्राप्त करोगी। सौभाग्यवती स्त्रियां तुम्हारी पूजा करके सौभाग्य का सम्मान प्राप्त करेंगी। इतने पर भी अब मेरे जीवित रहने का कोई अर्थ नहीं है, मैं जा रही हूं। ओम नमः शिवाय। देवी वृंदा ने पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए स्वेच्छा से देह त्याग कर मोक्ष प्राप्त किया। ये घटना भी शिव लीला का एक अंश ही था। ऐसी शिव लीला जिसका आदि अंत और रहस्य आज तक कोई समझ नहीं पाया, उस लीलाधारी से लीला के वशीभूत होकर जलंधर अभी तक युद्धरत है। पार्वती को पाना ही मेरा एकमात्र लक्ष्य है। अब कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता महादेव, मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। जलंधर जलंधर मायावी जलंधर महाबली जलंधर दैत्यराज जलंधर शक्तिशाली जलंधर दैत्य सम्राट जलंधर असुराधिपति जलंधर दुष्ट जलंधर जलंधर Thank you.
नारी जलंधर जलंधर सुन सुन, तेरा मृत्यु खंड बज रहा है, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है, तेरा अंतकाल समीप है। भगवान शिव शंकर की जय, देवाधिदेव भोलेनाथ की जय। प्रभु, आपने स्वयं जलंधर की उत्पत्ति करके उसे असुरों का अधिपति बनाया, मेरे और वृंदा के लिए संकट उत्पन्न किया। श्री हरि विष्णु को संकट का सामना करना पड़ा, ऐसी शिव लीला का क्या प्रयोजन है प्रभु? ओम नमः शिवाय। माता पार्वती, शिव लीला अकारण कभी नहीं होती। मुझे तो लगता है कि नारद लीला का प्रयोजन भी अकारण नहीं होता। नारायण नारायण, मैं तो भगवान शिव का दास हूँ माता। मैं जो कुछ करता हूँ भगवान शिव के संकेत पर ही करता हूँ, और भगवान शिव के लिए लीला करना आवश्यक है क्योंकि वो उनका स्वभाव है। अब देवेश्वर अपना स्वभाव कैसे छोड़ सकते हैं माता? क्यों भगवान? नारद, इस जगत में सत्य और असत्य का संघर्ष नियति का धर्म है, और ये लीला रचने का कारण यही है कि जन साधारण इस सत्य को स्वीकार कर ले कि जिस तरह जलंधर महाशक्तिशाली होते हुए भी अहंकारवश पर नारी पर कुदृष्टि डालकर मृत्यु को प्राप्त हुआ, उसी प्रकार उसकी भी वही दशा हो सकती है। अतः वह सावधान रहे, जन साधारण को सावधान वे सुरक्षित रखने के लिए ही लीलाएं रची जाती हैं। शिव लीला अद्भुत है, अनंत है। सत्य तो ये है कि शिव लीला अपारदर्शी भले ही हो, किंतु इसका उद्देश्य अत्यंत पारदर्शी और लोकहितकारी होता है। भगवान शिव की लीला से उत्पन्न न्याय, नीति और कृपा के विषय में जगत के सभी प्राणी, गृहस्थ, ऋषि मुनि, यहां तक कि देवगण भी सर्वथा संतुष्ट रहते हैं। शिव लीला से ही जगत का कल्याण होता है और सदा ही होता रहेगा। ओम नमः शिवाय। Tum 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 t